for the second while operators said 150 people and thousands more. Government of using excessive force on Sunday, as said by student group, the protests scrapped most quota, turned to the streets long. बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जिस तरह का बवाल और कत्लेआम वहां मचा हुआ है, उसने सबको सकते में डाल दिया है। इन्हीं बेकाबू हालातों के कारण शेख हसीना को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेख हसीना कितने आनंद फानन में देश छोड़ के निकली? चलिए इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था। ये वो समय है जो सेना ने उन्हें दोपहर में दिया और उसके बाद कह दिया कि देश छोड़कर चली जाइए। ये वाकया उस दिन का है जब बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं दिख रही थी। उनका कहना था कि चाहे जो हो जाए वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन फिर 45 मिनट के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि देश छोड़ने को भी तैयार हो गई। और ये सब होता है सिर्फ एक फोन कॉल के बाद। ये फोन कॉल किसका था, उन्हें किसने पद से इस्तीफा देने के लिए मनाया, ये तमाम बातें हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम वीडियो संदेश देना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेश सेना ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। शेख हसीना ने अपनी ये वीडियो अपने इसी बीच एक चिट्ठी के तौर पर लिख कर रखी थी, लेकिन सेना के अधिकारियों ने वो चिट्ठी को पढ़ने और वीडियो बनाने की भी अनुमति नहीं दी। पूर्व पीएम शेख हसीना अपने देश को संबोधित करना चाहती थीं और बताना चाहती थीं कि वो क्या सोच रही हैं और अपने देश में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। दरअसल बांग्लादेश सेना में दो गुट हो गए थे। सेना के बड़े अधिकारी शेख हसीना के पक्ष में थे, लेकिन सेना के जूनियर अधिकारी और आर्मी के 60 रिटायर्ड अफसर शेख हसीना के खिलाफ थे और इन सबके बीच शेख हसीना ऐसी फंस गई कि उन्हें अपना देश ही छोड़ना पड़ा। खास बात यह है कि जो शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देने तक के लिए तैयार नहीं थी, वो आखिर मानी कैसे और देश तक छोड़ने के लिए राजी हो गई। तो बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना ने जब अपने पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले कुछ आला अधिकारियों ने उनकी बहन शेख रेहाना से बात की। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने अपनी बहन की बात मानने से ही साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके बेटे को फोन किया। अधिकारी ने उनके बेटे से फोन पर देश के मौजूदा हालात और शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर बात की। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद जॉय ने मां शेख हसीना को फोन किया। उन्होंने अपनी मां को पद छोड़ने के लिए कहा। इस बार शेख हसीना प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से इनकार नहीं कर पाई। बेटे से हुई बातचीत के बाद ही शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वे देश छोड़कर भारत चली आईं।